डोनेस्क में रूस का विध्वंसक हमला हुआ, मिसाइल हमले में दहला यूक्रेन का तुला शहर। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। वॉर जोन में यूक्रेन का काउंटर अटैक, बैटलफील्ड में रूसी टैंक उड़ाया। पिछले करीब 21 महीने से यूक्रेन पर रूस का बारूदी प्रहार जारी है। रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और यूक्रेन के कमांड पोस्ट को नेस्तनाबूद कर रही है। रूसी सेना ने डोनेस्क के बबोनवा इलाके में हमला किया। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य डिपो को टारगेट करते हुए बैक टू बैक हमले किए। हमले में यूक्रेनी डिपो तबाह हो गया। रूसी सेना ने डोनेस्क के इलाके में वॉर जोन में आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया। टोही ड्रोन से सैनिकों का लोकेशन ट्रेस करने के बाद उन पर ड्रोन से शेलिंग की गई। रूसी हमले में दोनों यूक्रेनी जवान घायल हो गए। यूक्रेन का रूस पर भी काउंटर अटैक जारी है। वॉर जोन में आगे बढ़ रहे रूसी टैंकों पर यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड ने पीछे से हमला किया। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी टैंक में आग लग गई। यूक्रेन के हमले के बाद टैंक में मौजूद सैनिक जान बचाकर भागते दिखे। यूक्रेन की सेना रूसी शहरों को भी निशाना बना रही है। यूक्रेन ने तुला शहर पर हमला किया। दावा है कि यूक्रेन ने तुला के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेनी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। तो आप देख रहे हैं कैसे रूस यूक्रेन जंग में अभी भी शोले भड़कते जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर किया है इस बीच जवाबी हमला, ड्रोन से किया गया है ये बड़ा हमला। रूसी एयर डिफेंस ने 5 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का किया है दावा। यूक्रेन की तरफ से रूस पर यह हमला राजधानी मॉस्को पर किया गया। आधी रात पर किए गए इस हमले में कई इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि रूस की तरफ से कहा गया कि इस हमले में मॉस्को को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि कुछ मकानों को जरूर नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी हमले के दौरान पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के सेंसर अलार्म बजने लगे। मॉस्को के साथ साथ तुला और ब्रांस को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। दरअसल रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद यूक्रेन लगातार पलटवार की कोशिश में है। मॉस्को पर ड्रोन हमले को अंजाम देना एक्सपर्ट की नजर में एक बड़ी घटना है। अगर यूक्रेन इस हमले में कामयाब हो जाता है तो फिर हो सकता है कि यूक्रेनी फोर्स की तरफ से हमले और भी तेज किए जा सकते हैं। इसके पहले यूक्रेन ने क्रीमिया में भी कई ड्रोन हमले को अंजाम दिया था, लेकिन रूसी फोर्स ने यूक्रेन के कई ड्रोन हमले को नाकाम करते हुए इसे मार गिराया था। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार हुआ। क्रीमिया पर सबसे बड़े ड्रोन हमले का दावा, एक साथ कई ड्रोन यूक्रेन ने दागे हैं। रूस ने किया हमला नाकाम करने का दावा। और आइए आपको बताते हैं कि क्रीमिया ब्रिज किन हालात में बना और इसकी रूस के लिए अहमियत क्या कुछ है। आखिर क्यों यूक्रेन बार बार इसी क्रीमिया ब्रिज को बना रहा है निशाना, यह समझिए क्यों टारगेट पर है क्रीमिया ब्रिज। जंग में रूस की हथियार सप्लाई का यह मुख्य रास्ता है, यह सबसे बड़ी बात। दूसरी अहम बात जो है वो ये कि रूसी हथियारों की सप्लाई को रोकना भी एक बड़ा मकसद है। इसके अलावा खेरसान जेपोरिजिया पर कब्जा करने में अहम रोल इसका है। सेवेस्तोपोल जो कि क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर है, वहां रूसी ब्लैक सी फ्लीट का बेस है। काला सागर और अजोव सागर को भी ये जोड़ता है। 19 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगा है। 2014 में क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया। इस पुल से सड़क और रेल दोनों की सुविधा है। यही वजह है कि यूक्रेन का प्राइम टारगेट माना जाता है क्रीमिया ब्रिज को। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ी हाईमार्स से रूस पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। भीषण अटैक में रूस के कई सैनिक मारे। MLRS से रूस को रोकने के लिए यह हमला किया गया। गाजा युद्ध का फायदा उठाकर रूसी फौज अब जल्द से जल्द यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन पूरा करना चाहती है। इसी मिशन को लेकर रूसी फौज के हमले एक बार फिर तेज होने लगे हैं। इसी बीच खेरसोन के मोर्चे पर आगे बढ़ती रूसी फौज को यूक्रेन के MLRS ग्रुप ने रोकने की कोशिश की। रूसी फौज की फ्रंट लाइन पर बैक टू बैक रॉकेट दागे गए। यूक्रेन की बारूदी बौछार ने रूस की रक्षा पंक्ति को भी भेद दिया। इस भीषण अटैक में रूस के कई सैनिक मारे गए तो खेरसोन के दूसरे मोर्चे पर रूसी फौज के तोपखाने को अमेरिका से मिले हाईमार्स मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हाईमार्स मिसाइल ने 100% एक्यूरेसी दिखाते हुए रूस की 152 mm होविट्ज़र को तहस नहस कर दिया।
इसके अलावा खेरसोन के किले को बचाने के लिए यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट भी जवाबी हमलों को अंजाम देने में जुटी है। रूस की सैन्य पोजीशन को यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट ने रूसी सैनिकों की लोकेशन ट्रेस करने के बाद डायरेक्ट हिट किया। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में रूसी सैनिक को मौके पर ही ढेर कर दिया। और इस बीच नजर आया है रूस की ब्लैक सी फ्लीट का बड़ा एक्शन। Su-30SM और Su-24M से इन हमलों को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी ड्रोन और बोट्स को बनाया गया ताजा हमले में निशाना। आइए अब देखते हैं कि रूस के फाइटर जेट्स कैसे यूक्रेन के ड्रोन्स और बोट्स को खास तौर पर तबाह कर रहे हैं और इसके पीछे क्या युद्ध नीति है। क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा ब्लैक सी फ्लीट ने संभाला पूरा मोर्चा। यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर रहे हैं रूसी लड़ाकू विमान। ब्लैक सी में Su-30SM और Su-24M लड़ाकू विमानों की कर दी गई है तैनाती। क्रीमिया ब्रिज को तबाह करने की कोशिशों को इसके जरिए नाकाम किया गया है। रूसी विमानों ने यूक्रेन के यूएवी को हवा में ही मार गिराया। ब्लैक सी फ्लीट के निशाने पर यूक्रेन के ड्रोन और बोट्स मौजूद हैं।